मिस्टर केके। जी सर। आप क्या कर रहे थे? सर मैं पढ़ा रहा था, आप सुन रहे थे? नहीं नहीं सर, आप सुन रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। ओफो, मैं सुन रहा था, आप पढ़ा रहे थे सर। मैं क्या पढ़ा रहा था? जी आप हाँ, आप प्रसिद्ध कवि बिहारी जी के बारे में पढ़ा रहे थे सर, जिनका जन्म 1652 और मरण 1721 में हुआ था सर। केशवदास जी के पुत्र थे और बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने 700 दोहों वाली एक बिहारी सत्संग लिखी थी, जिसमें विशेष रूप से प्रेमिका की भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किया है इन्होंने कि कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लज्जात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हियो की बात। अर्थात बस बस, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था। ध्यान आप ही की तरफ था सर, दिल कहीं और था। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन सुनो, उतना ही सुना करो जितना के मैं पढ़ाया करूं, उससे ज्यादा ना कुछ सुना करो न मुझे सुनाया करो। ओके सर। हाँ, तो बिहारी जी की कविताओं में श्रृंगार रस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उन्होंने विभिन्न अलंकार प्रयुक्त किए हैं, विशेषकर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार इत्यादि उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। हाँ तो ये बताओ के बिहारी जी का यमक और अलंकार वाला दोहा कौन सा है? बताओ के। आप बिहारी जी का वो वाला दोहा पढ़ा रहे थे सर, सत्सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन मत छोटे लगे घाव करें गंभीर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि देखन मत छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ये कौन है? सनी है सर, बगल के रूम में बैठ के चरस पी रहा। चरस? बोलो कहाँ से आए सिगरेट, किसने दी तुम्हें सिगरेट? ऐसे नहीं बोलेगा सर,